नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से जुड़े क्या कुछ कानूनी नियम हैं इससे संबंधित है। इसके अलावा किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से जुड़े क्या कुछ कानूनी नियम हैं या फिर इसके अलावा भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, दो नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन अतिथियों से। मेरे साथ विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। साथ ही अभिषेक शुक्ला जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं अभिषेक शुक्ला जी आपसे करूँगा, और सबसे पहले चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या है। देखिए, ट्रेडमार्क और कॉपी, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको संक्षेप में एक चीज दो लाइन में बता दूं जी, कि हम लोग जिस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हैं अक्षय जी, उसके हम लोग को हमेशा ओरिजिन पे जाना पड़ता है, ये वर्ड, ये शब्द, ये कानून कहाँ से आया जी और क्यों आया, कब आया। यूनाइटेड किंगडम में सन 1911 में एक्ट को लेकर के प्रपोजल पास हुआ, हिंदुस्तान उस समय आजाद नहीं था, उस समय कॉपीराइट को लेकर, ट्रेडमार्क को लेकर के इंडिया में भी एक माहौल बना। और सन 1914 में पहली बार हिंदुस्तान में कॉप कानून बना। फिर समय और परिस्थितियों को देखते हुए 1957 में एक फ्रेश एक्ट आया, कॉपीराइट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, जो फिर इन्फोर्स हुआ 1958 में। परिस्थितियों को होते रहे, करीब 12 बार अमेंडमेंट्स हुए जी, और लास्टली सन 2011 में अमेंडमेंट हुआ। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क एक्ट को अगर हम समझें बड़ी सरल भाषा में, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आम जनमानस से मुखातिब होते हैं, तो उनको सरल भाषा में ही कानून की चीजों को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक बात, कि म्यूजिक है, आर्ट है, या जो लोग मूवीज बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या साउंड्स बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, इन सब लोगों की जो अपनी एक तरह से क्या कहा जाए उसको, प्रोडक्शंस हैं जी, उनका कॉपीराइट करना, ये अधिकार रखना कि जो इसके जनक हैं, जो इसके ऑथर हैं, उनके पास ये राइट रहे कि भाई, एक एग्जांपल कि जैसे सर्फ एक्सेल जी, ये वर्ड एक कंपनी ने यूज किया अपने लिए वॉशिंग पाउडर के लिए, तो सर्फ एक्सेल कोई दूसरी कंपनी वर्ड यूज नहीं करेगी। अब फिर इसके बाद ये बात होने लगे कि साहब ऐसा कि कॉपीराइट को अगर कानून से जोड़ा जा रहा है तो उसमें उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है कि नहीं है। तो भारतीय कानून के अनुसार कॉपीराइट या ट्रेडमार्क में आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए, मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं कि आपने कंपनी एक वॉशिंग पाउडर खोल लिया रिसेंट में, मान लीजिए से आप करंट उदाहरण पतंजलि के नाम से, और उसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, और दूसरे किसी आदमी ने भी एक कंपनी रन कर ली अपनी, या कोई काम रन कर लिया पतंजलि के नाम से, देन हाउ कैन यू चैलेंज बिफोर द कोर्ट कि दिस इज माय कंपनी, दिस नेम इज माइन, या आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस बिफोर द कोर्ट। फिर आने लगा इन सब चीजों में कि इन लोगों का प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इसमें,
तो चैप्टर 12 में, चैप्टर 13 में ये सब चीजें डिफाइन है कॉपीराइट एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होगा, सिविल लॉ क्या होगा, क्रिमिनल लॉ क्या होगा, कहां। अभी सन 2010 में जगदीश खेहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। वो जजमेंट इस बाबत आया, इस चीज को लेकर के आया कि कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल या क्रिमिनल डिस्प्यूट्स होंगे उनके बाबत वो मुकदमे कहां चलेंगे। तो उसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा कि जहां पर वो आदमी रिजाइड करता है, जो अपनी फर्म, और ये देखिए फिर मैं कह रहा हूँ ये सारी कंडीशंस तब आएंगी जब आपने प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया हो, क्योंकि वो एविडेंस आप मुकदमा लड़ सकते हैं लेकिन आप एविडेंस क्या दे पाएंगे, फिर तो लड़ाई इस बात की हो जाएगी ना, दूसरे आदमी ने कंपनी उसी नाम से खोल लिया, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो जो रजिस्टर्ड होगा माने तो कानून सामने वही होगा। फिर आया कि जुरिस्डिक्शंस कैसे डिसाइड होंगे, तो जुरिस्डिक्शंस ऐसे डिसाइड होंगे कि जैसे किसी प्लेस पे आदमी रहता है या जिस प्लेस पे वो बिजनेस रन करता है वहां पर वो उसका जुरिस्डिक्शन रिजाइड होगा। और अगर इसको क्रिमिनल ऑफेंस के दृष्टिकोण न्यायालय ने या हमारे संविधान ने जो संसद है उसने भी कानून आया, लोगों के अंदर इस तरीके का भय भी व्याप्त हो कि कोई किसी का नाम या कोई किसी की पब्लिसिटी या कोई किसी का वर्क ना चुरा ले, तो उसके लिए उस पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, लगभग मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इन सारी चीजों को लेकर के इसका क्रक्स सिर्फ एक ये था कि जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम और आप दिमाग में एक सामान्य जनमानस सोचता है कि हम इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, इस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, उस नाम को वो रजिस्टर्ड कर ले कि अब हमको आई हैव अथॉरिटी कि इस नाम का बिजनेस अब हम ही करेंगे, और अगर इस नाम के को किसी अन्य ने चुराया, आपने सुना होगा अक्षय जी कई बार कि हमने यहां पर भी देखा, यूपी में भी देखा है कि एक कंपनी का कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है तो पता चला कि कहीं अवैध रूप से उसी कंपनी का फर्जी माल बिकना शुरू हो गया जी। तो पकड़ा जाता है वो माल, तो ये होता है साहब कि आप इस नाम से कैसे चला रहे कंपनी, फर्जी कंपनी चला रहे हैं, तो कॉपीराइट एक्ट के तहत, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है। तो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क एक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द बिजनेस, टू सिक्योर द बिजनेस। और हमारे अगर हिंदुस्तान की बात हो अक्षय जी, तो जो भी इंटरनेशनल फोरम है ट्रेडमार्क को लेकर के, कॉपीराइट को लेकर के, हमारा भारत उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है, क्योंकि कंजम्पशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप चाइना को भी देखिए, चाइना का भी इतना माल यहाँ सप्लाई होता है, कंजम्पशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन में हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट है। तो फिर जब हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट है तो हमारे देश में भी इसका बिजनेस होगा। तो कॉपीराइट एक्ट के तहत दोनों लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसी बना दी गई कि अगर हमारे देश में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उन कंपनी को कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्या कंडीशंस होंगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि नहीं कराना होगा, और अगर हम विदेश के साथ टाइप करके कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या। चले बिल्कुल, इन तमाम अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे और भी बारीकियों पर हम अपने दर्शकों तक इस नियम से संबंधित जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे ये ट्रेडमार्क को लेकर है कि आप बताएं कि आखिर ये ट्रेडमार्क क्या होता है और इसके आवंटन की प्रक्रिया क्या है और ये ट्रेडमार्क सुरक्षा किसको देता है। देखिए पहली बात तो ये कि ये ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो एक बेनिफिशियल एक्ट है जी। ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आया, खासतौर से दोनों के जो भी राइट्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोड्यूसर है वो, जो कंपनी है वो, और जो उपभोक्ता है उसको, कि उपभोक्ता को सही माल मिल सके और कंपनी के हितों की रक्षा कर सके। इसलिए अब मान लीजिए जैसे अब हमारे भाई ने बताया, कॉलीग ने बताया कि पतंजलि का है, पतंजलि के हम हर आदमी को एक उसमें जो है आस्था है कि भाई इससे हमें बिल्कुल सही माल मिलेगा। अब मान लीजिए किसी आदमी ने जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट के तहत उसी नाम का एक दूसरा मिल दिया, पैसा तो वो उतना ही दे रहा उपभोक्ता, लेकिन उसे पतंजलि का या किसी भी जो पेटेंट जो अभी है उसका वो माल नहीं मिल पा रहा, तो इस तरह वो कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, उपभोक्ता का भी नुकसान हो रहा है। इसी सब बातों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ट्रेडमार्क एक्ट लाया गया कि जिससे कि कम से कम उपभोक्ता को सही माल मिल सके और कंपनी जो है उसकी बदनामी ना हो। चले यानी आपको लगता है कि उपभोक्ता के हितों के साथ साथ, आपको लगता है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ साथ कंपनी के हितों के लिए भी ये जरूरी है। हम और भी लगातार इस विषय पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ बिहार से हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए संतोष जी। सर हमको एक जानना था स्वास्थ्य के बारे में। जी जी सवाल कीजिए। स्वास्थ्य के बारे में जानना था जी,
कि मेरे साथ मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का और पैर में रॉड लगा हुआ था जी, और डॉक्टर ने कहा रॉड हम निकाल देंगे पैर का, लेकिन वो निकाला नहीं और पैसा भी ले लिया और अब हमको प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा है जी। जब हम बात करते हैं उससे तो मेरा ना फोन उठाता है ना हमको किसी तरह का मदद करने के लिए तैयार है, हम क्या करें यही हम जानना चाहते हैं। ठीक श्रीवास्तव जी, क्या जवाब देंगे ना, क्या ऑप्शन बचता है इनके पास? देखिए उस इनके लिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो पहली बात तो ये कि अगर इनके साथ इस तरह का कोई जो है धोखाधड़ी हुई है, कोई इस तरह की बात हुई है, तो इसके लिए ये रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह से धोखा डॉक्टर ने दिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां शिकायत भी कर सकते हैं कि इन्होंने ये अनफेयर ट्रेड या अनफेयर जो है प्रैक्टिस की है और वहां से जो है उस डॉक्टर का जो है रजिस्ट्रेशन तक जो है कैंसिल हो सकता है। इसके लिए वह अगर ये चाहें तो कंज्यूमर फोरम एक्ट भी जा सकते हैं। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संतोष जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो तरीका अभी आपको विष्णु स्वरूप जी ने बताया अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरे को जी सर अगर एक विल की कॉपी हमारे पास नहीं थी, ये पार्टीशन का केस था हमारे खिलाफ, एक पार्टीशन वो पार्टीशन केस में क्रिमिनल डिग्री 20 साल पहले बन गई थी हमारे खिलाफ, ठीक है, जिसमें हमारा आधा हिस्सा होता था विल के अनुसार, लेकिन कोर्ट में हमारे पे डॉक्यूमेंट था नहीं तो हमारे को उसमें 25 पैसे का हिस्सा हमारा मिला। अब वो विल की कॉपी हमारे को आज प्राप्त हुई है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं 20 साल बाद, फाइनल डिग्री अभी बननी है अभिषेक शुक्ला जी, इसी महीने। ठीक है अभिषेक शुक्ला जी, क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, आप चैलेंज कर सकते हैं और मेरा रिक्वेस्ट एक और ये है कि जो आपके अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध थी जी उसमें ये भी देखना पड़ेगा, हम लोग अक्षय जी आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार ये दर्शकों को बताते हैं डिस्कस भी, देखना पड़ेगा जी कि इतना पुराने समय के बाद आपके हाथ में विल आई है तो वेदर वो विल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उस समय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आपके पास बिल नहीं थी ये तो आप परमिशन कर सकते हैं, साहब हम पे बिल नहीं थे तो आप डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ठोस चीज ये है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कोर्ट को कि ये बिल जो है रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो कोर्ट उसको इजीली इंटरटेन कर लेगी और अदरवाइज कोर्ट इनसे एक क्वेश्चन जरूर करेगी इतने साल तक मुकदमा। तो उस समय तक इन्होंने अपने राइट को वहां पर क्यों इन्फोर्स किया? तो अगर रजिस्टर्ड इनकी बिल है तो ये निश्चित तौर पर उस डिग्री को चैलेंज करें और जिस कोर्ट ने वो डिग्री पास की है उसी कोर्ट में ये अपना एफिडेविट सबमिट करें कि साहब जो है रिकॉल करें उस ऑर्डर को, कि रिक्वेस्ट करें कि आप इस आदेश को रिकॉल करें क्योंकि मेरा भी राइट बनता है इस बिल के तहत जो अब मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे भी सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाए। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर जरूर पहुंचा होगा, जो तरीका भी अभिषेक शुक्ला जी ने बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। अक्षय जी और अक्षय जी जी मैं देना चाहूंगा आपके चल माध्यम से इस डिग्री कि अगर ये इस डिग्री को ये ऊंची अदालत में की सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ऊंची अदालत सीधे ही कह देगी कि जो ट्रायल जब चल राइट को जानते हुए तो आपको अगर आपके पास बिल भी आ गई तो आप उसी कोटी को रिकॉल कराने के लिए, आदेश को रिकॉल कराने के लिए और अपने बिल के साथ इन्फोर्स करें, तब फिर उस पर जो डिसीजन होगा तब आप अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। चले बिल्कुल, जो तरीका आपने बताया उम्मीद करते हैं वो तरीका अपनाने के बाद इनकी समस्या जरूर दूर होगी। संध्या जी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, बहुत स्वागत है संध्या जी आपका, अपना सवाल कीजिए। संध्या जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है जी। सवाल ऐसा है, हमारी दौरानी ने हम पे दहेज केस किया है, दहेज केस चल रहा है उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी और उसके बाद चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, क्या हम दहेज केस कर सकते, वो मुझे ये डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं ऐसे दहेज केस चल रहा है तो? ठीक विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव जी क्या जवाब देंगे इन्हें, ये कह रही हैं कि क्या डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है अगर देवरानी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, केस फाइल हो चुका है? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। संध्या जी एक बार सवाल फिर दोहरा दीजिए। चलो शायद संध्या जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विष्णु स्वरूप जी इनका सवाल यह था कि दहेज का मामला चल रहा है इनकी देवरानी के साथ में,
और ये चाहते हैं कि इस दौरान अगर उनके पति से डाइवोर्स अगर ये दिलाना चाहती हैं तो क्या ये संभव है? दहेज का मामला एक तरफ चलता रहे, दूसरी तरफ डाइवोर्स का केस फाइल कर पाए। दोनों अलग अलग रिलीफ हैं। जो FIR हुई है वो जो है क्रिमिनल कोर्ट में चलेगी, और जो डाइवोर्स है अगर इनके यहाँ फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में जो है अपने डाइवोर्स के लिए सूट फाइल करें। और ये दहेज का मामला है, इसमें ये बता रहे कि चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, जो उससे वो दोनों अलग अलग फोरम है। वो जो है क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा, और ये जो डाइवोर्स का है वो प्रिंसिपल जो भी फैमिली कोर्ट है वहां पे चलेगा। चले बिल्कुल, दोनों एक साथ दाखिल जी, आपके पास रास्ता खुला हुआ है। जो आपने कहा कि क्या डाइवोर्स केस भी फाइल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद है। आप अगर डाइवोर्स केस फाइल करना चाहते हैं तो आप कानूनन ये कर सकते हैं। मैं अभिषेक जी आपके पास आऊँगा। ये ट्रेडमार्क का जो पंजीकरण होता है, ट्रेडमार्क का पंजीकरण और व्यवसाय का पंजीकरण, इसमें कोई अंतर होता है? अंतर अच्छा जी, देखिए आप अपने बिजनेस का किसी का पंजीकरण कराते हैं और ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराते हैं तो हम लोग अभी हमारे सीनियर ने श्यातव जी ने बताया जी कि ट्रेडमार्क का व्यवसाय का पंजीकरण आप इसलिए कराते हैं कि आप एक पर्टिकुलर व्यवसाय इस जगह पे करते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क का जब भी शब्द ट्रेडमार्क यूज होगा तो ट्रेडमार्क का जो पंजीकरण होगा वो बेनिफिशियरी देखा जाएगा कंज्यूमर्स को लेकर के। आप किसी प्रोडक्ट को का ट्रेडमार्क अगर कराना चाहते हैं, उस जो बिजनेस करने वाला आदमी जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बना रहा है, उसके ऊपर भी कंडीशंस लगेंगी कि आप सही माल दें। इसी चीज का उनको ट्रेडमार्क दिया जाता है कि आप थोड़ी नहीं करेंगे और कंज्यूमर्स को किसी प्रकार से आपकी शिकायत नहीं होगी। तो ट्रेडमार्क को जहां तक देखा जाएगा तो बिजनेसमैन के ऊपर ही सारी लाइबिलिटीज हैं, तभी उनको ट्रेडमार्क मिलेगा प्रॉपर बिजनेस करने का और जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर सामान देने का, ताकि कंज्यूमर्स को जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो वही प्रॉमिस किया हुआ सामान कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। ये कॉपीराइट पर एक बार फिर विष्णु स्वरूप जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कॉपीराइट नेचुरल या दीवानी अधिकार है या फिर कानून के जरिए ही इसको कंट्रोल किया जाता है? नहीं देखिए, दोनों अगर कॉपीराइट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है तो अगर उसका इंफ्रिंजमेंट होता है या उसके साथ कोई जो है छेड़खानी करता है कॉपीराइट या उसको जो है रिप्रोड्यूस करता है या उसका इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल करता है तो जो है वो दीवानी में भी उसके खिलाफ जो है रिलीफ मिल सकती है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है जी। इसमें एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें जो है जो क्या कह रहे हैं कि उसमें 6 महीने से लेकर के जो है 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 50,000 से लेकर के जो है 1,00,000 जो है 2,00,000 रुपए तक का जो है वो भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट एक्ट पे फिर दोबारा ज्यादा सजा का प्रावधान है जी। अगर मान लीजिए कि कोई अपनी स्वेच्छा से कॉपीराइट अपना छोड़ना चाहता है तो उसके लेकर क्या कुछ व्यवस्था होती है? देखिए ये कॉपीराइट एक्ट जो है जब तक कि जिस आदमी ने कराया है वो जब तक कि वो रहेगा तब तक कि उसमें रहेगा और उसके बाद वो अपने आप जो है सीज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने देखा 50 साल तक का था, अब इसको 60 साल तक के कर दिया गया क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी थी तो प्रॉब्लम यही आई कि 50 साल के बाद वो अपने आप खत्म हो रहा था। उसके बाद उसको गवर्नमेंट ने के पास आया कि मामला कि भाई इसको जो है ये विश्व भारती के पास इसका कॉपीराइट एक्ट था तो उन्होंने कहा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए 60 साल कर दिया गया। 60 साल के बाद ये पब्लिक डोमेन में अपने आप आ जाएगा अगर उसका जो है वो उसका फिर पब्लिक भी इस्तेमाल कर सकती है। अभिषेक जी अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है, लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ। अगर कोई शख्स, हम कॉपीराइट एक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या शर्तों पर काम करते हुए अगर कोई रचना करता है तो उस पर किसका अधिकार होगा, पहला अधिकार? सॉरी अक्षय जी क्या कह रहे हैं, अगर कोई कंपनी दूसरे कोई अगर कोई शख्स किसी के साथ कोई या कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी शर्तों पर काम करते हुए अगर वो कोई रचना करता है तो उस पर पहला अधिकार किसका होगा, उस कंपनी का, उस दूसरे शख्स का या फिर जो रचनाकार है उसका? नहीं देखिए, जो देखिए रचनाकार का तो अधिकार होगा, लेकिन अगर उसका किसी कंपनी के साथ टाई अप है पहले से जी तो फिर प्रॉपर तरीके से तो जिसने
टी सीरीज का कई कंपनीज के साथ कई लोगों के साथ टाई अप है, तो वो अपनी रचना कुछ कर सकते हैं टी सीरीज के साथ। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक म्यूजिक बनाया, वो उस म्यूजिक पर्टिकुलर पर उनका कॉपीराइट वो करा सकते हैं, और टी सीरीज का अपना अलग कॉपीराइट चल रहा है तो उसके साथ वो एक तरह से कहा जाए कि अपना समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो टी सीरीज नाम से कोई कॉपीराइट नहीं ले सकते, उस पर अधिकार टी सीरीज का ही रहेगा। जो उन्होंने म्यूजिक का प्रोडक्शन किया है, मूवी का प्रोडक्शन किया, उस पर वो कॉपीराइट करा सकते हैं। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अभिषेक शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, जो कॉलर जुड़े थे, उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है जानकारी के अभाव के चलते, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही।